शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रायपुर की। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सख्त तेवर देखने को मिले हैं। नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी को जड़ से खत्म करें, अन्य राज्यों से हर स्तर पर जरूरी समन्वय स्थापित करें। ये बात कही सीएम भूपेश बघेल ने। सीएम ने चिटफंड को लेकर भी नाराजगी जताई है। चिटफंड कंपनियों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अफसरों को दिए हैं। चिटफंड कंपनियों की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई हो, कोर्ट के माध्यम से शीघ्र कुर्की कराएं। ये बात कही है सीएम भूपेश बघेल ने। तो सीएम भूपेश बघेल के सख्त तेवर देखने को मिले। नशे के नेटवर्क को खत्म करने के निर्देश दे दिए हैं सीएम भूपेश बघेल ने। नशीले पदार्थों की तस्करी को जड़ से खत्म करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। अन्य राज्यों से हर स्तर पर जरूरी समन्वय स्थापित करें, ये बात कही है। चिटफंड कंपनियों को लेकर भी सीएम नाराज हो गए और कार्रवाई करने की बात यहां पर कही है। निर्देश अधिकारियों को दिए सीएम भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों पर। चिटफंड कंपनियों की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाए, ये बात कही है। कोर्ट के माध्यम से शीघ्र कुर्की कराएं, ये बात कही सीएम भूपेश बघेल ने। महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित को सहायता राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं, ये बात कही सीएम ने। ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी ना हो, जीरो टॉलरेंस अपनाएं, ये बात कही सीएम भूपेश बघेल ने। एसपी रात में गश्त पर निकले, इस बात का जिक्र निर्देश में सीएम भूपेश बघेल ने किया है। ऑनलाइन जुआ और पर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी ना हो, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं, यह बात कही सीएम भूपेश बघेल ने। एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम भूपेश बघेल के सख्त तेवर देखने को मिले हैं। निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और साफ सख्त तेवर देखने को मिले। नशे के नेटवर्क को जल्द से जल्द खत्म करें, जड़ से खत्म करें, ये बात कही सीएम भूपेश बघेल ने। और ये निर्देश दिया एसपी को कि रात के वक्त गश्त पर निकले और महिलाओं बच्चों के प्रति लगातार बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाएं, सख्त कार्रवाई करें, नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने का काम करें, अन्य राज्यों से हर स्तर पर जरूरी समन्वय स्थापित करें। और इसके अलावा चिटफंड कंपनियों को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए चिटफंड कंपनियों के मामलों में और उनकी संपत्ति की कुर्की कराई जाए कोर्ट के माध्यम से, इस बात का जिक्र भी सीएम भूपेश बघेल ने किया है। तो आज कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सख्त तेवर देखने को मिले हैं। चिटफंड कंपनियों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा महिलाओं बच्चों पर लगातार बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने की बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई, नशीले पदार्थों की तस्करी को जड़ से खत्म करने के निर्देश अधिकारियों को दिए सीएम भूपेश बघेल ने। नशीले पदार्थों की तस्करी ना हो, कोर्ट के माध्यम से चिटफंड कंपनियों की शीघ्र कुर्की कराएं, इस बात का जिक्र भी किया। अवैध शराब को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है। यानी साफ और सख्त तेवर यहां पर देखने को मिले सीएम भूपेश बघेल के इस बड़ी बैठक में, इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में। चिटफंड कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात सीएम ने कही है। तो चिटफंड कंपनियों पर सीएम भूपेश बघेल ने साफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सख्त कार्रवाई हो और नशे के नेटवर्क को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इस बात का जिक्र सीएम भूपेश बघेल ने किया अपने निर्देशों में। और चिटफंड कंपनियों की सख्त कुर्की की जाए, शीघ्र कुर्की की जाए। अवैध शराब को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल नाराज हो गए। ये तमाम बड़ी बातें सीएम भूपेश बघेल ने कही है आज की समीक्षा बैठक में और एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में। और चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी वैभव शिव पांडे से। वैभव, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है, कौन कौन से सख्त निर्देश जो सीएम भूपेश बघेल ने आज अधिकारियों को दिए हैं? भूपेश बघेल काफी नाराज दिखे हैं। ऑनलाइन सट्टा और जुआ को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नाराज दिखे हैं। अवैध शराब के कारोबार को लेकर के मुख्यमंत्री नाराज दिखे हैं। उनकी नाराजगी लगातार दिखाई पड़ रही है, लगातार वो जो है सख्त नजर आ रहे हैं तमाम मामलों को लेकर के। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि लगातार जो है छत्तीसगढ़ के भीतर में अब ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होगी और न सिर्फ जो है पुलिस और प्रशासन की तरफ से कार्रवाइयां होगी बल्कि सरकार की तरफ से भी एक्शन दिखाई देगा। यानी कि जाहिर तौर पर इस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ एसपी और कलेक्टर के ऊपर भी कार्रवाइयां हो सकती है, मतलब वो उनका ट्रांसफर हो सकता है, वो मुख्यालय में अटैच हो सकते हैं। ये साफ तौर पर संदेश जा रहा है आज की इस बैठक से। इन सब के बीच में लगातार बढ़ते अपराध, चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई थी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में, राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई है, उस पर क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने? तो
संपर्क हमारा वेब से नहीं हो सक रहा, तस्वीर आपको दिखाएंगे। लगातार बढ़ते अपराधों पर सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कोर्ट के माध्यम से, कुर्की की जाए चिटफंड कंपनियों की, और इन सब के बीच में अवैध शराब को लेकर भी नाराजगी सीएम ने जताई है। हर राज्य से जरूरी स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाए, इस बात का जिक्र भी किया, और चिटफंड कंपनियों पर सख्त कार्रवाई हो। चाकूबाजी की घटनाओं पर सीएम भूपेश बघेल नाराज हो गए। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे मामलों में गंभीरता बरतें, नशीले पदार्थों की तस्करी को जड़ से खत्म करें, ये बात कही सीएम भूपेश बघेल ने। इसके अलावा महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उन पर लगाम लगाने की बात सीएम ने कही है। कोर्ट के माध्यम से चिटफंड कंपनियों की कुर्की कराई जाए, इस बात का जिक्र भी सीएम भूपेश बघेल ने किया है। तो कई कड़े और सख्त निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए हैं और उस पर कार्रवाई की बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। चिटफंड कंपनियों पर भी तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश सीएम भूपेश बघेल ने दिए हैं।